नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे पौराणिक कथा की यात्रा पर ले चलेंगे जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम क्षणों को छूने वाली है। यह कथा न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि कैसे यदुवंशियों का नाश हुआ और कैसे एक बहेलिया ने अनजाने में भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदुवंशियों का विनाश। यदुवंशियों के विनाश की कथा पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाभारत युद्ध के दौरान यदुवंश के योद्धाओं ने भीषण संघर्ष किया था, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण के नेतृत्व में यदुवंशियों ने द्वारका में शांति और समृद्धि का आनंद लिया। हालांकि समय के साथ साथ यदुवंशियों में घमंड, अहंकार और आपसी ईर्ष्या बढ़ने लगी। श्री कृष्ण को इस बात का आभास हो चुका था कि यदुवंश का पतन निकट है। एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। यदुवंशियों में घमंड, अहंकार और आपसी ईर्ष्या पनपने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि यदुवंश के विभिन्न कुलों और परिवारों के बीच असंतोष और झगड़े शुरू हो गए। एरका घास का उपयोग कर यदुवंशियों ने एक दूसरे का संहार कर दिया। एरका या मुनीजा घास की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा है जो यदुवंश के विनाश से जुड़ी हुई है। एक बार यदुवंशी राजकुमारों ने ऋषियों का मजाक उड़ाने का दुस्साहस किया। द्वारका में जब महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और नारद जैसे ऋषि भ्रमण कर रहे थे, तब यदुवंशी राजकुमारों ने उनके साथ उपहास करने की योजना बनाई। श्री कृष्ण के पुत्र सांब इस मजाक का हिस्सा बने। उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री के वेश में भेजा। सांब को लेकर यदुवंशी राजकुमारों ने ऋषियों से पूछा कि इस गर्भवती स्त्री को पुत्र होगा या कन्या। ऋषियों ने इस उपहास को समझ लिया और क्रोधित होकर शाप दिया कि यह व्यक्ति एक लोहे का मूसल, गदा जन्म देगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों के शाप के फलस्वरूप सांब ने अगले दिन एक लोहे का मूसल जन्म दिया। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने इसे पिसवाकर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। हालांकि इस मूसल के टुकड़े समुद्र तट पर एक विशेष प्रकार की घास के रूप में उग आए, जिसे एरका या मुनीजा कहा जाता है। एक दिन यदुवंशी राजकुमार और उनके कुल के सदस्य प्रभास तीर्थ पर एकत्र हुए। यह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल था, लेकिन दुर्भाग्य से यहां कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने यदुवंश के विनाश की शुरुआत कर दी, जिसे प्रभास तीर्थ का शाप कहा जाता है। यदुवंशियों ने वहां एक बड़े उत्सव का आयोजन किया और इस उत्सव के दौरान उन्होंने मदिरा का सेवन किया। मदिरा के प्रभाव से यदुवंशी राजकुमारों और योद्धाओं में नशा चढ़ गया। नशे में चूर होकर वे अपनी मर्यादा भूल गए और आपस में विवाद करने लगे। छोटी छोटी बातों पर उनके बीच झगड़े होने लगे। मदिरा के नशे ने उनके अहंकार और घमंड को और भी बढ़ा दिया और वे एक दूसरे के प्रति क्रोधित हो गए। छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद होने लगे और आखिरकार ये झगड़े भयानक संघर्ष में बदल गए। श्री कृष्ण ने इस विनाश को मौन होकर देखा। उन्होंने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह यदुवंश का पूर्व निर्धारित अंत है। श्री कृष्ण के इस धरती से विदा लेने का भी समय आ गया था। उन्होंने समझ लिया था कि यह उनके यदुवंश का अंत है और इसे रोकने का कोई अर्थ नहीं है। यह सब श्री कृष्ण की लीला का ही एक हिस्सा था, जिसमें यदुवंश का विनाश सुनिश्चित था। उन्होंने इसे कालचक्र का एक स्वाभाविक परिणाम माना, जो यदुवंश के अंत करने के लिए जरूरी था। अंततः यदुवंशियों का पूरा कुल इस आपसी कलह में लगभग पूरा वंश समाप्त हो गया। पौराणिक कथा के अनुसार उस समय यदुवंशी राजकुमारों ने हथियारों के बजाय जंगल में उगने वाली एरका घास का उपयोग कर एक दूसरे का संहार कर दिया, जिससे यदुवंश का अंत हो गया। इस कथा के अनुसार यह घास सामान्य घास नहीं थी, बल्कि एक शाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी। इस विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़कर प्रभास क्षेत्र में निवास करना शुरू किया। प्रभास क्षेत्र, जो आज के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, इसे वर्तमान में प्रभास पाटन या सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। यह समय उनके जीवन के अंतिम दिनों का था।
जहां उन्होंने शांति और ध्यान की ओर बढ़ने का निर्णय लिया और सरस्वती नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न रहा। एक दिन जरा नामक बहेलिया शिकार के लिए निकला। जरा ने दूर से ध्यान कर रहे श्री कृष्ण के चरणों में एक हिरण की नजर देखी और तीर चला दिया, लेकिन यह एक शिकारी का भ्रम था। यह तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जरा नामक बहेलिया के बारे में भारतीय पौराणिक कथाओं में कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं। जरा के पूर्व जन्म को लेकर दो मुख्य धारणाएं प्रचलित हैं। एक में उसे बाली का पुनर्जन्म माना जाता है और दूसरी में उसे कंस का पुनर्जन्म कहा गया है। इस बारे में स्पष्टता नहीं है, क्योंकि यह दोनों कथाएं विभिन्न पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं में पाई जाती हैं। रामायण के संदर्भ में बाली के पुनर्जन्म के रूप में जरा को देखा जाता है, जो भगवान राम से अपनी मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पुनर्जन्म हुआ था। बाली रामायण का एक प्रमुख पात्र था, जो किष्किंधा का राजा था। भगवान राम ने बाली का वध किया था, क्योंकि बाली ने अपने भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया था और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया था। बाली के वध के समय बाली ने भगवान राम से पूछा था कि उन्होंने उसे क्यों मारा, जबकि वह एक अन्याय का बदला ले रहा था। भगवान राम ने उसे आश्वासन दिया कि वह अगले जन्म में उसका बदला लेने का अवसर पाएगा। महाभारत और श्री कृष्ण की कथा के संदर्भ में जरा को कंस का पुनर्जन्म माना जाता है, जिसने अपने पिछले जन्म के पापों का फल भोगा। यह दोनों कथाएं धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और यह दर्शाती हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का प्रतिफल भुगतना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। जरा नामक एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पैरों पर तीर चला दिया। घटना श्री कृष्ण के महाप्रयाण मृत्यु का कारण बनी और इसे उनकी लीला और यदुवंश के विनाश के साथ जोड़ा जाता है। जरा ने जब नजदीक जाकर देखा कि उसने गलती से भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा है, तो वह गहरे दुख और पछतावे में डूब गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी गलती के लिए अपराधी महसूस किया। भगवान श्री कृष्ण ने जरा को सांत्वना दी और कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह सब पूर्व निर्धारित था और उनके जीवन के अंत का एक हिस्सा है। यह घटना उनकी लीला का हिस्सा थी और सभी कुछ नियति के अनुसार हो रहा था। इस अद्भुत घटना से कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया एक स्वाभाविक क्रम है, जिसे परमात्मा की इच्छा और पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार स्वीकार किया जाता है। हर घटना का एक कारण होता है और सब कुछ एक नियति के अनुसार घटित होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और मृत्यु की कहानी भी इसी सार्वभौमिक सत्य का हिस्सा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो में बताएं कि आप इस प्रकार की और कौन कौन सी पौराणिक कथाएं सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।